बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और जूसी रेशमी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार कबाब तैयार होते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। एक ब्लेंडर में एक कप पुदीना डालेंगे, एक कप धनिया, एक अदरक कटी हुई मिर्च, एक चम्मच नमक। अब इन तमाम चीज़ों को जैसे ब्लेंड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पेस्ट बना ली है। हाफ के जी बोनलेस चिकन लेंगे, इसमें पुदीने और धनिया का जो पेस्ट बनाया ये डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच लेमन जूस लेंगे, काली मिर्च भी लेंगे 1 चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसमें 3 चम्मच दही डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चिकन को मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। देखिए 20 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। स्टिक्स लेंगे, इनके ऊपर ऑयल लगा लेंगे, चिकन लगा लेंगे ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरीके से लगा लेंगे, साइड पर रखते जाएंगे। देखिए इस तरीके से चिकन लगा लिया है। अब इसे तैयार कर लेंगे। एक तवा या पैन लेंगे, ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। स्टिक रख लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें पकाएंगे। तीन मिनट हो गए हैं। अब इन साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन्हें ऊपर से कवर करके मजीद 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच को तेज कर लेंगे। कोई स्टील की कटोरी लेंगे या एल्युमिनियम की, इस तरीके से शीट रखेंगे। इसके ऊपर जलता हुआ पेड़ा रख लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। एक मिनट हो गए हैं। कोयले को उठा लेंगे। और अब हम इसे निकालकर डिश आउट कर लेंगे।
देखिए बहुत ही मज़ेदार चिकन रेशमी कबाब तैयार है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि चैनल की हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।